बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी है। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूं, गांव में जहां जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक यह था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी, आप सिद्धार्थनगर गए थे, मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रखूं। रोज वो मोटर लगाते हैं, नई कंपनी वाले जो आए हैं हमारे अपने जिले में भी, उनको 1,76,00,00,000 रुपया मिला है। 1,76,00,00,000 रुपया सरकार के तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग को एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश, आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें। इसकी आप जांच करा लीजिए, बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है। यही मेरा आपसे अनुरोध।